जय हिंद दोस्तों, बड़ी खुशखबरी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का रिक्रूटमेंट है जिसका इंतजार हो रहा था, आज उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑल ओवर इंडिया ये रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए निकाला गया है। खास बात यह कि यहाँ पर आपको एज क्राइटेरिया में भी छूट मिलने वाली है, 10वीं और 12वीं पास वाले सभी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका भी सपना है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का तो आप सभी के लिए काफी अच्छी बात है, आप सभी के लिए काफी सुनहरा मौका है। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी के बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि इस रिक्रूटमेंट के अंदर कौन कौन सी पोस्टों पर आपका रिक्रूटमेंट होने जा रहा है, कहां से आपको ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना है और कहां पर आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना और कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक आप इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी प्रकार के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे डिफेंस जॉब अलर्ट की ऑफिशियल साइट पे, और यहां पर आपको हर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आंसर की और एडमिट कार्ड की पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को यहां पर मिल जाती है। दोस्तों आप नीचे जाएंगे, आपको एक अलग से बॉक्स मिलेगा लेटेस्ट जॉब, और सबसे ऊपर आप यहां पर देख ले IMA देहरादून, जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून रिक्रूटमेंट 2021 पोस्ट 188 ग्रुप सी की वैकेंसी है। ऑफलाइन अप्लाई आपके शुरू हो चुके हैं, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं पूरा पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। यहां पर आप पूरी डिटेल चेक पाएंगे, 188 पदों पर आपका रिक्रूटमेंट निकला है दोस्तों, और इस रिक्रूटमेंट के तहत कौन कौन से पदों पर आपका रिक्रूटमेंट होगा तो मैं बिल्कुल आपको बता देता हूं। यहां पर आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों 20 नवंबर से, और यहां पर आप 3 जनवरी 2020 तक आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो एज क्राइटेरिया में काफी ज्यादा छूट मिलेगी। अगर आप MT ड्राइवर, GC ऑर्डरली और लेब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 18 साल से लेकर 27 साल तक होनी चाहिए, और ये क्राइटेरिया जनरल वालों के लिए। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो 30 साल तक, और SC ST तो आप 32 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप SC ST है तो इन पोस्टों के लिए आप 30 साल तक, जबकि अगर आप OBC कैंडिडेट है तो 28 साल तक इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो काफी अच्छी बात है, एज क्राइटेरिया में आपको काफी ज्यादा छूट दी जा रही है। तो उसके अलावा दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी की इस रिक्रूटमेंट की बात करें तो अलग अलग वैकेंसी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। कुक स्पेशल की आपके 12 वैकेंसी है, और कुक IT की 3 वैकेंसी है, जो MT में आपके ड्राइवर की 10 वैकेंसीज है, बूट मेकर और बूट रिपेयर की आपके 1 वैकेंसी है, LDC की 3 वैकेंसी है, मसालची की आपके 2 वैकेंसी है, वेटर की भी यहां पर 11 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, फेटमैन की आपकी 21 वैकेंसी है, MTS सपाई वाला की आपकी 26 वैकेंसी है, ग्राउंड्समैन की आपके 46 वैकेंसी है, और GC ऑर्डरली की आपकी 33 वैकेंसी है, जबकि MTS चौकीदार की 4 वैकेंसी है, ग्रूम की 7 वैकेंसी है, बार्बर की आपके 2 वैकेंसी है, इक्विपमेंट रिपेयर की आपके 1 वैकेंसी है, बाइसाइकिल रिपेयर की 3 वैकेंसी है, MTS मैसेंजर की 2 वैकेंसी है, उसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। और टोटल ये रिक्रूटमेंट आपका 188 पदों पर होने वाला है जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू होगा। और दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10वीं पास होना चाहिए, उसके साथ ही दोस्तों आपके पास में कुकिंग का नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आप दोस्तों MT ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10th पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास में सिविलियन ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आप बूट मेकर और बूट रिपेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही बूट मेकर और रिपेयर का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप LDC के लिए अप्लाई कर रहे हैं, LDC क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 12th पास होने चाहिए, साथ ही दोस्तों आपकी जो टाइपिंग है वो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, तभी आप LDC रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों मसालची के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो केवल 10वीं पास होने चाहिए। अगर आप वेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वेटर के लिए भी केवल 10वीं पास रखा गया है। उसके अलावा फेटमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए। MTS सपाई वाला के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10वीं पास रखी गई है। उसके अलावा ग्राउंड्समैन की बात करें तो ग्राउंड्समैन के लिए भी 10th पास होनी चाहिए, साथ ही दोस्तों ग्राउंड में आपको ड्यूटी करने की क्षमता भी होनी चाहिए। उसके अलावा GC ऑर्डरली की बात करें तो यहां पर भी आप 10th पास होना चाहिए। उसके अलावा MTS चौकीदार की बात करें तो यहां पर भी आप 10वीं पास होना चाहिए। ग्रूम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर भी आप 10वीं पास होना चाहिए। बार्बर के लिए भी आपकी 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही बार्बर ट्रेड का आपको नॉलेज भी होना चाहिए। उसके अलावा इक्विपमेंट रिपेयर की बात करें तो इक्विपमेंट रिपेयर के लिए आप 10वीं पास होना चाहिए। बाइसाइकिल रिपेयर के लिए अगर बात करें तो यहां पर आप 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही 2 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए बाइसाइकिल रिपेयर का।
उसके अलावा एमटीएस मैसेंजर की बात करें तो मैसेंजर के लिए भी 10th पास रखी गई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर भी आप 10वीं पास है तो इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑल ओवर इंडिया सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी दोस्तों वो जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेटों के लिए ₹50 चार्ज है, जबकि एससी और एसटी के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑर्डर आपको यहाँ पर देना होगा जो कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी के यहां पर देना होगा। उसके अलावा दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के लिए अगर बात करें तो आप इसका ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और ऑफलाइन फॉर्म भरते समय आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इस रिक्रूटमेंट के लिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये भी आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है द सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट के आधार पर आप सभी का सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर यह फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। और आपका जो पेपर होगा दोस्तों वो दोनों भाषाओं में देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों आपको जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का समय आपको दिया जाने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 ही मार्क्स का आपका ये पेपर होगा और यहाँ पर आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। जो जनरल आपके इंटेलिजेंस रीजनिंग है उसके 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के भी आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले। टोटल 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का ही आपका पेपर होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप ऑफलाइन फॉर्म है उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आप फॉर्म डाउनलोड करके उसी फॉर्म का प्रिंट निकलवा के आप उसे भर के भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पूरी जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल जाता है। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां जाके आप पूरी अपडेट भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में देख सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि यह रिक्रूटमेंट है जो कि जो आपकी इंडियन मिलिट्री अकेडमी है जिसका आपका हेडक्वार्टर है वो देहरादून में, वहां पर ये रिक्रूटमेंट निकला है। तो ऐसा नहीं होगा कि केवल देहरादून के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का रिक्रूटमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये रिक्रूटमेंट है। तो ऑल ओवर इंडिया सभी राज्यों के कैंडिडेटों को यहां पर मौका दिया जाएगा और जो आपकी वैकेंसीज होगी दोस्तों वो भी ऑल इंडिया आपकी वैकेंसीज रहने वाली है और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो भी ऑल इंडिया मेरिट ही आपकी बनने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो मेरिट आएगी वो स्टेट वाइज आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑल इंडिया सब कुछ यहां पर बनने वाला है। तो काफी अच्छा मौका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी जाके आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कर दे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय।